फंसे, जहां पर जीएसटी सर्वे को लेकर व्यापारियों में गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी अधिकारी द्वारा जीएसटी सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। उन्होंने जीएसटी सर्वे टीम पर व्यापारियों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध को लेकर मंगलौर व्यापार मंडल ने जीएसटी सर्वे का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल ने जिलाध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी सर्वे न करने का वादा किया था। व्यापारी पूरा जीएसटी भर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जीएसटी अधिकारी द्वारा व्यापारी की दुकान पर जाकर घंटों जीएसटी सर्वे के नाम पर कारोबार को बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसी ही स्थिति में व्यापारियों का कारोबार भी बाधित हो रहा है। जीएसटी पूरा भरने के बाद भी व्यापारियों को चोर की नजर से देखा जा रहा है। हो रहा है, उसके खिलाफ हमने ये पुतला दहन किया है, और हम मंगलौर में इस तरह का कोई भी व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती, अधिकारी नहीं मानते, अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा, आंदोलन भी करना पड़ा, तो हम आंदोलन करेंगे। दुकानें बंद करनी पड़ी तो दुकानें भी बंद करेंगे। क्रांति उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश के आह्वान पर सारी इकाइयों का, जो हमारी 356 इकाइयाँ हैं प्रदेश में, उन सब ने विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी सर्वे का पुतला फूका, क्योंकि व्यापारी की एक मांग है, कई वार्ता हमारी हो चुकी है कि जो आप सर्वे कर रहे हैं और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाके जीएसटी के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं वो गलत है। अगर सारा डाटा व्यापारियों ने अपने जीएसटी कार्यालय में जमा करवा रखा है, आपको सबका पता है, आप उसे नोटिस दें, नोटिस देकर अपने कार्यालय बुलावें। अगर उसका संतोषजनक जवाब ना मिले, कोई गलती आपको लगे, तब आप उस पर पेनल्टी लगावें। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। भारत की जय हिंद, जय हिंद। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए दशन का जश्न। राजश्री इलायची, दशन का जश्न। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और खबर लालकुआ से, जहां पर वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमले में कई बार वन कर्मचारी घायल हो जाने या फिर मानसून के दिनों में जंगल में गश्त करते समय तस्करों के हमले की घटनाओं से अब वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हैवी मेटल से बनी यह किट अपनी इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हो सकता है। साथ ही हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगी जो कि वन्य जीवों को जंगल में तस्करों द्वारा मारने के लिए लगाई जाती है। वन प्रभाग या फिर जो है पश्चिम वित्त में ही मानव वन्य जीव संघर्ष जो है काफ़ी जो है इसके काफ़ी इंसिडेंसेस होते हैं, और इसमें ना केवल जो है लेपर्ड को बल्कि टाइगर हो गया, अपना एलिफेंट हो गया, या फिर जो है सांप आदि, या फिर अपना क्रोकोडाइल वगैरह जो है ना, इस तरह की भी मानव वन्य जीव संघर्ष जो है और इंसिडेंसी जो है वो देखने में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा स्टाफ जो है वो विकट परिस्थिति में काम कर रहा है, तो उसकी जो है सुरक्षा हमारे लिए जो है काफ़ी अहम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने अभी जो है एक अभिनव प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने जो है एक प्रोटेक्शन किट जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए जो है वो खरीदी है। रुद्रपुर के रामपुरा में पुराने विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दुकान में केक खरीद रहे 3 युवकों पर तलवार और चाकुओं से हमला कर दिया। इसके साथ ही आरोपियों ने तमंचे और बंदूक से फायरिंग भी की, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हमले के 3 युवकों के साथ ही मोहल्ले के घर के बाहर खड़े बुजुर्ग सहित 2 लोग अन्य घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। 2 गुटों में आपस में किसी बात पर लड़ाई हुई थी, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं,
और इसी में फायरिंग की भी घटना प्रकाश में आ रही है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जो वहीं पड़ोस में रहते थे उनके पैरों में छरे लगे हुए हैं। उसमें तीन लड़कों को और भी चोटें आई हैं, जिसमें एक लड़के को बैक साइड में लगा, बाकी दो लड़कों को किसी और ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। यहाँ पे अभी इनके चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मौके पे हमारी टीम भी पहुंची है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनके बीच लड़ाई हुई है। तरी रहने पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।